उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राजपुर रोड स्थित वाटर वर्क्स में एक बार फिर से कैलोरीन गैस का रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में कैलोरीन गैस के सिलेंडर हटाए गए। फिलहाल कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर जल संस्थान के अधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने हालात का जायजा लिया। वहीं जल संस्थान के महाप्रबंधक एस के गुप्ता ने बताया कि पिछले साल हुए हादसे के बाद कैलोरीन गैस को समाप्त कर दिया गया। वहीं पिछले साल से खाली सिलेंडर स्टोर में रखे हुए थे, इसी दौरान एक सिलेंडर से गैस लीक होने लगी, जिसके बाद सिलेंडर को हटा दिया गया। बता दें कि पिछले साल भी वाटर वर्क्स में कैलोरीन गैस लीक होने से 10 से अधिक लोग बेहोश हो गए थे। तब शासन ने निर्देश दिए थे कि पानी के शुद्धिकरण में कैलोरीन की बजाय दूसरे विकल्प का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद एक बार फिर से गैस लीक होने से जल संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। देखिए, जो क्लोरीन गैस का रिसाव तो मुख्यतः पिछली बार हुआ था और उसके बाद हमने क्लोरीन गैस का प्रयोग समाप्त कर दिया था। जो सिलेंडर थे हमारे, हमने हटा के उनको जो है और खाली भी करके हमने पीछे स्टोर में डाल दिए थे। कल स्टोर में ये काम कर रहे थे तो इन्हें लगा कि किसी के अंदर थोड़ी बहुत बाकी रह गई है। घरों के हमारे सिलेंडर में थोड़ी बहुत तो बाकी रह ही जाती है कंज्यूम करने के बाद भी, तो उसको उसमें नहर में डाल दिया गया था। आज नहर में ये देखने के लिए कि ये ख़त्म हो गया होगा, जब इसे लाया गया तो एकदम से थोड़ी सी इसमें गैस निकली, तो वही गैस थी। अब पूरा हमने उसमें कर दिया है, वो जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा और अब हम इन समस्त सिलेंडरों को यहाँ से हटा ही देंगे। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून।